जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस एमपीपीसीएस या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप करेंट अफेयर का ये वाला टॉपिक जो है आप जरूर देखकर जाइएगा। टॉपिक क्या है, 2019 में राज्य सरकारों के द्वारा निकाले गए योजना और उसके उद्देश्य। अब देखिए, आप एग्जाम जब दे रहे होंगे तो इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई ये योजना कौन सी राज्य सरकार ने निकाला है, यूपी बिहार एमपी वगैरह वगैरह। तो भाई अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो जरूर देख लीजिएगा। और एक बात मैं और कहूंगा कि मैंने एक छोटा सा जीके का बुक निकाला हुआ है, तो बुक मैं आपके पास पहुंचा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने उसका पीडीएफ बनाया हुआ है। और वो ट्रिक है, पूरा ज्योग्राफी पे हिस्ट्री साइंस सब कुछ दिया हुआ है उसमें, तो वो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिए। लेकिन एक फ्री नहीं है, वो 20 रुपए का एक सहयोग राशि है, तो वो आप पेमेंट कीजिएगा तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कौन सा योजना आया था, तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब ये योजना क्या है, किस उद्देश्य के लिए है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि भाई प्रत्येक परिवार में अगर एक बालिका के जन्म पर, जैसी एक बालिका का जन्म होता है, तो राज्य सरकार सहयोग राशि के रूप में 15,000 रुपए देगा। बहुत अच्छा योजना है। आगे देखते हैं, सिक्किम में एक योजना निकला हुआ है, बहुत फेमस है, नाम क्या है, एक परिवार एक नौकरी योजना। यानी एक परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, यही है आपका उद्देश्य योजना का। अगला देखते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड में योजना जो है 2019 में कौन सा आया है, तो देखिए मैंने यहां पे छोटे शॉर्ट में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री, ठीक, आंचल अमृत योजना। योजना किस राज्य सरकार की है, उत्तराखंड की, तो नाम है आंचल अमृत योजना। और इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, जो आंगनबाड़ी होता है 20,000 आंगनबाड़ी, वहां जो बच्चे पढ़ते हैं, तो करीब 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश, भाई मध्य प्रदेश में किसानों का ऋण माफ किया गया था, तो नाम क्या रखा गया योजना का, जय किसान ऋण माफी योजना, ठीक। तो 50,000 करोड़ की कृषि ऋण माफ की जाएगी, यानी पूरा किसानों का देख लिया जाए, 50 करोड़ पूरा 50,000 करोड़ रुपया रखा गया है और वो माफ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, किसानों का देखभाल करना चाहिए, किसान मजदूर, और इसी से तो पूरा देश है। आगे देखते हैं युवा, दूसरा देश चलाने वाले हैं हमारे युवा है, युवा स्वाभिमान योजना जो एमपी के द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो कमजोर वर्ग के जो शहरी युवा है, ग्रामीण नहीं शहरी युवा है, उनको हर साल 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। तो ये योजना दो एमपी का है, जय किसान और युवा स्वाभिमान। अब आते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है अटल आधार योजना। अभी केंद्र सरकार के द्वारा भी एक अटल योजना निकाला गया है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, लेकिन अभी 2019 का सिर्फ राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे। तो अटल आधार योजना, अब इसमें क्या कहा गया है कि जो मजदूर होते हैं उनको ज्यादा कमा नहीं पाते हैं, तो भाई उनको एक सही खाना मिले, लेकिन कम पैसे में, अच्छा खाना कम पैसे में। और पैसा रखा गया कितना, मैंने रुपया रखा गया है मात्र 5 रुपए, ठीक। तो 5 रुपए में मजदूरों को अच्छा भोजन उपलब्ध कराना ही अटल आधार योजना है। अब आगे यहां पे देखिए बिहार, भाई मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना, यानी जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको पेंशन दिया जाएगा, और जो 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोग हैं, यानी जो 60 वर्ष जी लिए हैं उससे ऊपर जी रहे हैं, उनको 400 रुपए में होता क्या है, लेकिन सोचिए 400 रुपए, और 80 वर्ष से ऊपर के लिए 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अगला देखते हैं गुजरात, ठीक, गुजरात में है वहाली डिक्री योजना। डिक्री मतलब बच्चियों के बारे में बात किया गया है, और कहा गया भाई जो लिंगानुपात सुधारने का, पुरुष और स्त्री का अनुपात जो है वो सुधर जाए, इसके लिए ये योजना निकाला गया है। तो भाई वहाली डिक्री योजना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पुरुष पर महिला जन्म दर बढ़ाने के लिए किया गया है। और इसमें कहा गया कि भैया अगर कोई बच्ची है तो 8 क्लास में जाती है तो उसे एडमिशन के समय 4,000 दिया जाएगा, 9 क्लास में जाती है तो 6,000 दिया जाएगा,
और 18 साल की हो जाती है उच्च शिक्षा करने के बाद, मतलब शादी समय या जब बच्ची का जब शादी होगा तो उस समय 18 साल के बाद 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। अच्छा योजना है। अगला देखते हैं असम में कौन कौन सी योजना है। तो एक भाई है अपोनार अपोन घर योजना, नाम से ही पता चल रहा है अपोन मतलब अपना घर योजना, यानी असम के जो नागरिक हैं उनको घर दिया जाए, घर के लिए लोन दिया जाए, मतलब घर के लिए लोन दिया जाए और लोन पे सब्सिडी दिया जाए। यहां देखिए 2,50,000 की होम लोन सब्सिडी असम के नागरिकों के लिए। और एक और योजना है असम का ही जिसका नाम है अभिनंदन योजना। अभिनंदन योजना में कहा गया है कि भाई जो युवा हैं जो एजुकेशन लोन लेते हैं उसमें 50,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है एजुकेशनल लोन में। अब आते हैं झारखंड। झारखंड में है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। अब यहां पर ये देखिए कि प्रत्येक किसानों को 6,000 के अलावा, ठीक 6,000 जो दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो 6,000 के अलावा हर कृषि भूमि के लिए, ठीक कृषि भूमि के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी लगभग लोन दोनों हो गया आपका 11,000। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में है अमार घर यानी अपना घर एलईडी योजना, ठीक एलईडी योजना। तो इसमें कुछ है यही है कि भाई जो प्रत्येक घर को 4 LED बल्ब दिया जाएगा और उनके घर में उजाला फैलाया जाएगा, वो भी मुफ्त दिया जाएगा 4 LED बल्ब। उसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक में है जल अमृत योजना। अब भाई जल का उपयोग हम लोग करते हैं लेकिन उसको बर्बाद भी ज्यादा करते हैं, तो उसके संरक्षण के लिए इस तरह का योजना निकाला गया है, ठीक। अब आते हैं यहां ऊपर पंजाब में है, पंजाब में कौन सा योजना है, तो नाम है घर घर रोजगार योजना। मतलब भाई घर घर रोजगार मिलेगा, हर परिवार तक रोजगार पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब अगला है हरियाणा वाला, हरियाणा सरकार, इसमें कहा कौन सा योजना निकाला गया है, तो मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना। मतलब निधि मतलब होता है एक तरह से फंड, और परिवार को सम्मान दिया जाएगा। किस परिवार को सम्मान दिया जाएगा, जिसके पास 5 एकड़ यानी जिन किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है और उनकी आय जो है वार्षिक आय जो है 15,000 प्रति माह से कम हो तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा एक चीज और, मैंने डेट नहीं लिखा हुआ है, डेट इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा लिखेगा ना उतना ज्यादा आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो मैंने डेट नहीं लिखा है। और मुश्किल से देखिए जीएस इतना बड़ा है ना, सबसे पहले बात क्या टिक से देखे और क्या टिक से छोड़े, ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, मेरा बस यही का नाम है। बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पढ़ने से कोई फायदा होता है नहीं। और रहा बात करंट अफेयर में, तो भाई मैं एक चीज तो कहूंगा ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं कि करंट अफेयर हम लोग बहुत ज्यादा वीडियो देखते हैं लेकिन उतना वीडियो मत देखा कीजिए। आप एग्जाम से पहले 1-1.5 सप्ताह का काम कीजिए और 1 सप्ताह के अंदर आप जितना देखना है देख सकते हैं। और भी सीरियल क्रम बाय क्रम, जैसे कि पुरस्कार देख लीजिए, नियुक्ति देख लीजिए, सूचकांक देख लीजिए, तो ये सब जो टॉपिक खेल से संबंधित कुछ जो रिलेटेड है वो देखिए। और क्योंकि आप प्रतिदिन करंट अफेयर बन रहा है और प्रतिदिन उसी पे लगे हुए हैं और पता चला कि हिस्ट्री गोल, ज्योग्राफी गोल, फिजिक्स केमिस्ट्री सब गोल लगा है खाली कुछ पे करंट अफेयर पे, तो एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको लग जाएगा करंट, इतना भयानक करंट लगेगा 2 साल बर्बाद हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले मतलब 1-1.5-10 दिन पहले आप करंट अफेयर देखना शुरू कीजिए, और भी टॉपिक बाई टॉपिक। और भाई वो बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि आपके बिहार पुलिस में बहुत काम आएगा, ये मेरा दावा है। दूसरी बात कि मैं अन अकेडमी पे भी 4 जनवरी से भी लाइव होने वाला हूँ आपको बीपीएससी का कोर्स लेकर, ठीक। तो बीपीएससी में आपका 4 तारीख से स्टार्ट होगा, उसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लाइव होगा। और उसमें अगर आप मेरा जो नाम है मुकेश कुमार रेफरल कोड अगर डाल दीजिएगा तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, 90% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।